अगर आपके 80+% आई लें तो आपको चांसेस हैं कि इस कॉलेज। तो बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं बेसिकली व्लॉग और कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट टाइप की वीडियो बनाता हूँ। बट कुछ दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे मतलब कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें बताइए कि काइट में एडमिशन कैसे लें, हमें बताइए भैया काइट वर्सेस दिस कॉलेज कैसा रहेगा, भैया हमें बताइए काइट में हमें इतनी रैंक आई है, हमें कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मतलब इन्हीं सब बातों को और इन सब कमेंट को पढ़ के मुझे लगा कि एक वीडियो सीरीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और कौन सा नहीं, और ये कॉलेज कैसे मिलेगा, और इस कॉलेज में अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और इसको इस कॉलेज को काउंसलिंग के थ्रू कैसे लिया जाएगा, इसमें इतनी मेरी परसेंटाइल है, इतनी परसेंटाइल पे मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि जब मैं एडमिशन लिया था काइट में, तो मुझे मैं भी ऐसा यूट्यूब पर देख रहा था कि कोई बता दे कि काइट में एडमिशन कैसे लेना है, किस रैंक पे कितनी कौन सी ब्रांच मिलेगी और कौन सी ब्रांच अच्छी है, मतलब ऐसे ही। बट मुझे कोई जेन्युइन सा बंदा नहीं मिल रहा था, सब लाइक प्रॉफिट ही कमा रहे थे कि अच्छा इस पे ले लो वो ले लो, ये सब प्रॉफिट ही देख रहे थे अपना, कोई जेन्युइन बंदा बहुत ही कम मुझे दिखाओ। बट मैं सीरीज़ की हेल्प से काफ़ी बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ कि वो लोग थोड़ा मतलब रास्ता ना भटक जाएँ कि कौन सा कॉलेज उन्हें लेना चाहिए कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, या फिर ब्रांच ना इधर उधर कर दें। तो फिर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको AKTU से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काइट, जो कि मेरा कॉलेज है और मैं BTech सेकेंड ईयर CS स्टूडेंट हूँ। अगर मेरी BTech सेकेंड ईयर की जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो डेट से जा चुकी है, 30 तारीख से मेरा पेपर है, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ही नेसेसरी है इस टाइम, और क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कमेंट पे भी ऐसे आ रहे हैं कि भैया आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे, आप भैया इंस्टा का DM का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और मैं पढ़ रहा हूँ और साथ साथ DSA भी किया हूँ क्योंकि प्लेसमेंट भी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि काइट में एडमिशन कैसे लें बेसिकली। तो काइट में एडमिशन दो तरीके से ले सकते हैं, पता ही होगा, एक काउंसलिंग जो कि AKTU काउंसलिंग कराती है और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो मैं जब आया था वो AKTU काउंसलिंग से ही आया था, और बात करूँ अपनी, जब मैं आया था तो AKTU अपना एक पेपर भी बनाती थी, एक UPSEE मैंने दिया था पेपर, होता है एक 1300 रुपये का फॉर्म होता था, उसको फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेपर दिया जाएगा, तो उसमें मेरी 8000 रैंक आई थी, मुझे 8000 रैंक पे AKTU जब काउंसलिंग हुई, AKTU काउंसलिंग हुई, तो मैंने AKTU काउंसलिंग के जरिए 8000 रैंक पे मुझे CS ब्रांच मिली थी जनरल कैटेगरी में, विदाउट कुछ भी तरीके का कोई भी इसमें कोटा नहीं लगा था, सीधा जनरल कैटेगरी थी, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, अभी JEE के परसेंटाइल के बेस पे हो रहा है, तो उतना मैंने डीप में गया नहीं हो कि किस परसेंटाइल पे आपको CS मिलेगी नहीं मिलेगी, बट अभी हल्का सा आप एक आइडिया ले सकते हैं। अभी एक बच्चे से मैंने बात की, मतलब जो कि फर्स्ट ईयर में है, तो उससे मैंने बात की कि उसकी 82-80% थी और उसको CSIT ब्रांच मिली है। तो आप ये देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का है, आप ये देख लीजिए, अगर पिछले साल का एक हल्का सा आपको आइडिया दे दूँ, 80 अगर आपके 80+% हैं तो आपको चांसेस हैं कि इस कॉलेज में CS रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी, अगर आपका मन है CS रिलेटेड, वरना और भी ऑप्शन है, EC में बहुत बहुत अच्छा स्कोप है, EN वगैरह में बहुत अच्छा स्कोप है, और भी मतलब जो डिपार्ट जो ब्रांचेस हैं उसमें उनमें बहुत सारा स्कोप है। तो बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन का मुझे उतना नहीं पता, बट इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पता किया कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन ऐसे होता है कि अगर आपको CS रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो आपके 12th में मिनिमम 90+ 90% नंबर आने चाहिए, उसके बाद काइट का आप फॉर्म आके भर दीजिए या फिर साइट पे भर दीजिए, बात कर लीजिएगा आप ऑफिशियल से काइट के, उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है प्रॉपर फिजिक्स और मैथ का, और उसके बाद शायद इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद आपको सीट अलॉट कर देंगे अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आया तो। और अगर आपको CS रिलेटेड ब्रांच नहीं लेनी है, लाइक EC वगैरह लेनी है, EC अच्छी ब्रांच है, EC में मतलब काफ़ी है, दो तरफ आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और आप इधर कोडिंग भी कर सकते हैं, तो एक EC अच्छा ऑप्शन है, EC आपको मिल जाएगी 80 में भी, बट आपको इसके लिए आपको कॉलेज का एक टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, वो उसका इंटरव्यू राउंड है। और बात करें EN मैकेनिकल वाली कोर ब्रांचेस की, इनमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है हमारे कॉलेज में, लाइक जितना मुझे अभी मेरे नॉलेज में है कि मतलब काफ़ी अच्छा CTC है इनका भी, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हमारे कॉलेज में। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप ले लीजिए डायरेक्ट एडमिशन, बाकी
होप इस वीडियो से मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर पाया हूँ। और बाकी कुछ दिनों में मैं एक AKTU स्पेसिफिक सीरीज लॉन्च कर दूंगा, और अगर आपको और कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।